आज 2 दिसंबर है, यूएई का आज इंडिपेंडेंस डे है। तो भाई जिस कंट्री में हम पहुंचे हैं और जो हमें पाल रही है, अर्निंग के सोर्स हमें दे रही है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं यूएई के इंडिपेंडेंस डे की। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो अभी भाई अभी उठा मैं, टाइम हो रहा है भाई 10:30 बजे का यहाँ पे। तो भूख भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा जलन सी महसूस हो रही थी पेट में, मैंने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए बाहर जाके। तो अभी यहाँ पे आया हूँ, एक रेस्टोरेंट है, ये रियल पंजाब रेस्टोरेंट। तो अभी अंदर से भी मैं दिखाऊंगा, इनका मेन्यू भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्या क्या रेट है, क्या क्या प्राइस है इनके। तो चलिए मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। थोड़ा सा मेरे वीडियो डालने का यही मकसद है कि आप लोग भी अवेयर रहें, आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, अंदर से भी मैं दिखाता हूँ रियल पंजाब रेस्टोरेंट किस तरह का दिखता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है रियल पंजाब रेस्टोरेंट। यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, काफ़ी जो नीट एंड क्लीन रखा हुआ है इन्होंने अपना हिसाब किताब यहाँ पे। बाकी भाई आए हुए मेरे साथ, ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे, फिर देखते हैं क्या है। बाकी देखते हैं अभी क्या क्या रेंजेस हैं इनकी, ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए हैं फिलहाल। तो संदीप भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? भूख बड़ी ज़्यादा लग रही है। चलो, तो ये संदीप भाई थे और ये आपका भाई है। ओके, अभी थोड़ा मेरा माइक रह गया है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भी आवाज़ अच्छी आई या नहीं आई। ठीक है, देखो ये आगे देखो परांठे आपके सामने, और इन्होंने देखिए परांठे का साइज़ भी आप लोग देख सकते हो बड़ा है, बटर दिया हुआ है, कर्ड दी हुई है, और साथ में भाई संदीप भाई, इन्होंने तो भाई पूरा छाप दिया, देखो पूरा मक्खन छाप दिया। अब टर्न है मेरी भी, तो बस थोड़ा खाना खुना खा लेते हैं। आपको दिखा दिया ये ऑर्डर किया हुआ था ब्रेकफास्ट के लिए, बाकी उसके बाद ही आप लोगों के साथ मैं बात करूँगा। आज मैं लाइव भी आने वाला हूँ, मैं भी आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर दूंगा, कुछ बात कहनी है आप लोगों के साथ जो दिल में है काफ़ी दिनों से। तो बने रहना, मैं आप लोगों को नोटिफाई भी करूँगा। फिलहाल खाना खा लेते हैं। बाकी विदेश की धरती पर भाई अपना इंडियन खाना खाने को मिल जाए और क्या चाहिए। तो मज़ा आ गया आज भाई ब्रेकफास्ट करके, बहुत अच्छा लगा परांठा खा के यहाँ पे। बाकी आप लोग भी चेकआउट कीजिए यहाँ पे लोकेशन वगैरह, बाकी अच्छा है ओवरऑल मैं बताऊँ तो, मुझे बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे खाना पीना। तो पर एक भाई मुझे मिल गए, हालांकि मैं वो फर्स्ट टाइम मुझे मिले यहाँ पे, अननोन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए सूट किया यहाँ पे, तो मैं उन्हें थैंक्स कर रहा था यहाँ पे, थैंक यू सो मच। तो दुबई मॉल भी हो गया और क्या बोलते हैं खलीफा भी हो गया आप लोगों के लिए। अभी जस्ट चलते हैं, ये मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से जाते हैं आप लेते हैं ट्रेन। खैर इतना सा ही सफ़र था, अभी यहाँ से जाऊँगा मेट्रो लेनी है, अभी टाइम भी बहुत कम है। This is example. You are covering like this, 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 and then zooming on the Burj Khalifa like this. और सबसे पहले हमें यहाँ पे सलाद मिला और साथ के साथ रायता इन्होंने दिया हुआ है, और ये रोटी है, रोटी का मैं साइज भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ये बड़ी है। तो ये रोटी है यहाँ पे, इस रोटी का साइज देखिए आप, इतने बड़े साइज की रोटी है ये, एक ही इनफ है एक कैंडिडेट के लिए, उसी इतने बड़े साइज की ये रोटी हुआ करती है यहाँ पे। बाकी मिक्स पैच को आप दिखाइए थोड़ा नज़दीक से, मिक्स पैच की तरफ कैमरा कीजिए आप।
ये मिक्स वेज है, ये है हमारे सैलेट है और नो सॉरी ये सलाद है और ये इन्होंने हमें रायता दिया हुआ है। तो अभी फिलहाल देखते हैं, खाते हैं इसको, फिर उसके बाद ही आप लोगों के साथ बाद में मैं बात करूंगा। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा चला हुआ है भाई खान भाई का ये ढाबा यहाँ पे। चलिए बाद में आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, पहले अपने खाने को यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप अभी खान ढाबा पे इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, इसी तरह से इन एंड आउट हो रहे हैं बंदे। तो बाकी थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ डिशेज का। तो ये देखिए कुछ इस तरह के डिशेज वगैरह भी खा रहे हैं लोग यहाँ पे, इसी तरह से भीड़ भड़ाका कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो अभी और साथ ही साथ इनकी जो बेस्ट चीज मुझे लगी, क्लीनिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है और हर दिन इनका कोई ना कोई एक बेस्ट डिश रहती है और लाइटिंग वगैरह का इफेक्ट भी काफी अच्छा डाला हुआ है इन्होंने यहाँ पे। तो फिलहाल तो मैं चलता हूँ क्योंकि अभी भीड़ भड़ाका यहाँ पे ज्यादा है, फुर्सत के टाइम में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा डिटेल के साथ यहाँ पे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मतलब जो फेमस है यहाँ की। तो ऐसा नहीं है कुछ भी, ये देखिए इंडियन जैसे यहाँ पे भी खा रहे हैं लोग और यहाँ पे कुछ इस तरह से मीनू है इनका, तो यहाँ का फेमस जो चीज चल रही है आज के लिए। तो फिलहाल इतना ही आज कवर कर रहा हूँ इसको। खाना वगैरह खाने के बाद चलिए अब चलते हैं अपने आशियाने की तरफ, अपने रूम की तरफ, क्योंकि भाई पूरा दिन भर जॉब करने के बाद यही दिल करता है कि अब जाके भाई थोड़ा रेस्ट वगैरह करें। तो मेरा ये रूटीन है, मैं जब भी पहुंचता हूं तो मैं शावर लेता हूं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूं, थोड़ी देर के लिए रोमिंग वगैरह करता हूं। और बस यही है यार, दुबई की लाइफ थोड़ा सा बिजी है, हर बंदे अपनी अपनी जॉब्स वगैरह करने में, बस जॉब से जैसे आते हैं तो रूम में पहुँच के बस वही है कि रेस्ट वगैरह किया और तो क्या है। बाकी कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, इसके रिगार्डिंग आप लोग जरूर अपनी राय रखिएगा। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा, तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ सकते हो। आपका भाई आप लोगों के लिए हमेशा तैयार है यहाँ पे जवाब देने के लिए। मैं रिवर्ट आप लोगों को क्विकली दिया करूँगा, मैं नहीं चाहता जिस तरह से कोई और ब्लॉगर हैं वो बस वीडियो डाल दिया उसके बाद जो कमेंट है उनको भी रीड नहीं करते हैं। तो अपना ऐसा नहीं है, आप जो भी आपके मन में सवाल है पूछिएगा। बाकी आप लोगों के लिए अपनी लाइफस्टाइल को मैं दिखाता रहूँगा यहाँ पे, और जॉब्स से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि जॉब्स के लिए भी मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ और बहुत जल्द मतलब लेकर आऊँगा मैं यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर कोई भी आप लोगों के पास सुजेशन हो जो चैनल पर कमी चल रही हो जिस चीज़ की, तो वो भी जरूर रखिएगा। आप लोगों की सुजेशन भी बहुत मैटर करती है। एक जो क्रिएटर है उसके जो भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, वही सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हीं पे ही पूरा का पूरा चैनल डिपेंड रहता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने इतना साथ दिया मेरा, आगे भी साथ दीजिएगा। और अब मिलेंगे बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ, उसमें लाऊंगा एक नई लोकेशन आप लोगों के लिए और कुछ ना कुछ नया कंटेंट मतलब लाता ही रहूँगा आप लोगों के लिए। तो बाय, टेक केयर।